हेलो गाइस, वंस अगेन इट्स योर होस्ट शिगो गेमर वाईटी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल हंटर डा। एंड गाइस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड लव यू हैव गिवन इन अवर पास्ट फ्यू वीडियोस ऑफ द टाइटल सोलो वर्सेस स्क्वाड। सो गाइस, आ चुके हम हमारे एक और न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड की वीडियो लेके, जिसमें हम देते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी मेरे गेम प्ले के बेसिस के, यानी कि पीछे बैकग्राउंड में गेम प्ले चलता रहेगा और मैं आपको कमेंट्री यानी कि वॉइस ओवर करता रहूँगा कि मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था एंड एक्सेट्रा स्टफ। सो गाइस, चलो जल्दी से मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली जो टिप है वो है हमारी लैंडिंग, यानी कि हमारी लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, जहाँ से हमको लूट मिलनी चाहिए, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज गन सब कुछ मिलना चाहिए। बट गाइस, मैंने यहाँ पर देखो हग दिया, मैं देखो पूरा ब्राज़ीलिया पे उतर गया और मेरे को जाना चाहिए था एकदम कोने वाले हाउस पे। बट मैं ना मस्ती में देख रहा था, यानी कि मेरे नीचे एक स्क्वाड थी और मेरे साइड में भी एक बंदा था, तो मैं सोचा उसके साथ जाऊँगा फिर उसको पंच मार के नॉकआउट करूँगा। फिर लास्ट में मेरे को पता चला ये इसकी पूरी स्क्वाड है, फिर मैं चारों तरफ से घिर चुका था। तो मेरे पास यहाँ पे डोर डाई सिचुएशन आ चुकी थी और फ़ोन मेरा लैग करना स्टार्ट हो चुका था। अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए कि आपके चारों तरफ एनिमी है और आपके सिर्फ सामने कुछ एक ही घर है, दो ही घर है, तो आप लोग फटाफट से जितना हो सके उतना लूट कर लो और एक घर के ऊपर जाके बैठ जाओ, तो वो ना आपको एक फ़ायदेमंद रहेगा। और वहाँ से स्पेक्टेट करो, यानी कि देखो कि एनिमी है कहाँ पर। देखो, मेरे को इधर एक एनिमी दिखा, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, फिर मैं उसके पीछे भागा, बट वो गायब हो चुका था। तो देखो, मैंने जैसे बताया आपको, तो मैं इधर आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे आके मैं अपनी पोजीशन ले लूँगा सीढ़ियों के पास, ताकि कोई भी ऊपर आए तो मैं उसको मार सकूँगा, सीधा हेडशॉट पड़ेगा उसको। फिर मेरे को भागने की वॉइस आ रही थी, मैं सोचा देखने दे, तो जैसे मैं कूदा इधर मेरे को एनिमी दिखा, मैंने इसको ना 99 का हेड दे दिया। बट फिर मैंने अपना कवर ले लिया, एक और एनिमी आ रहा था, बट पहले मेरे को SMG लेना था क्योंकि पूरी स्क्वाड रश कर सकती है। देखो ए आया, इसको थोड़ा सा डैमेज पड़ा, यहाँ पर मैंने गलती किया कि मेरे को जंप करके हेड मारना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, यहाँ पर मैं मर भी सकता था। देखो ये आया, मैंने इसको मार दिया हेडशॉट, इसको ख़त्म कर लेंगे, पीछे वाले को रहने देंगे। इसका एक और दोस्त आ रहा है, उसको भी मेरे को जंप करके हेड मारना चाहिए था। फिर यही वो सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ही लोग गलती करते हैं। मेरे को पता है कि मेरे आजू बाजू चारों तरफ एनिमी है, तो मैंने ख़त्म कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर लूट करने नहीं बैठना है। लूट करने बैठा है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से लूट लेना है, ऐसा नहीं कि बैग खोल के बैठ गए और ग्लू वॉल निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो मेरे सामने उधर बंदा भी, आपने अगर देखा हो तो वापस से बैक करके देख लेना। तो मेरे को वॉइस भी आ रहा था कि एनिमी है, तो मैं फटाफट से किसी भी एनिमी को मारो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फटाफट से उसके पास जाके लूट करना चाहिए, बस थोड़ी देर रुको, 5-10 मिनट वेट करो। देखो ये एनिमी आया, मैंने बैठ के मारा, फिर मैं कूद के मार दिया, डाउन हो गया। फिर एक और एनिमी आ गया, मैंने पीछे वॉल लगा दी, फिर रिलोड करने बैठ गया मैं, ये मेरी गलती थी। मेरे को मैं ये M67 मार सकता, मेरे को रिलोडिंग का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अगर आप लोग का एमओ ख़त्म हो जाए तो गन चेंज करके मारो, रिलोडिंग का टाइम लो ही मत, गन चेंज करके उसको ख़त्म करो। तो यहाँ पर हमने दो स्क्वाड ख़त्म कर दिया, अब जाते हम नेक्स्ट स्क्वाड की तरफ। यहाँ पर थोड़ी ही दूर पे ना फाइट हो रही थी, ऊपर वाले घर पे और नीचे। यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ मेरे हिसाब से 3 स्क्वाड थी, क्योंकि 5 मिनट से मैं इधर बैठा हुआ था, बट मैं वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इधर मतलब कब से फाइट कर रहे थे लोग, मैं एक जगह पर बैठ गया और मैं सिर्फ इनका लोकेशन देख रहा था कि कहाँ पर फाइट हो रही है, कहाँ पर एनिमी है। अपन को थोड़ा भी फायर नहीं करना है। और हाँ, अगर आप देख रहे हो तो आप अपने पीछे भी चेक करो, देखना मैं बैक टू बैक गोल गोल घूम रहा हूँ, अपना जॉयस्टिक जो है उसको गोल गोल घुमाते रहना है और एक से मारते रहना है। देखो मैं बैक टू बैक मैं पोजिशन चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरी लोकेशन रिवील ना हो। बैक टू बैक जगह चेंज करने से एक चीज़ आपको फ़ायदा होगा कि सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, उसको ऐसा लगेगा भाई चार तरफ से बंदा मार रहा है तो उधर ज़्यादा एक से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, तो एक ये भी फ़ायदा हो सकता है। और गाइस, आपको पता है मैं इधर बैठा हुआ था ना, तो ये जो सामने वाली स्क्वाड है वो मेरे को दोनों साइड से घेर रही थी, मेरे को लास्ट में पता चला। बट मैंने जब देखा ना, तो एक लेफ्ट से आ रहा था और एक राइट से आ रहा था, ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि जाओ कहाँ पर। वो लोग भी मेरी लोकेशन देखने का ट्राई कर रहे थे कि कितने बंदे हैं, फिर जाके वो लोग रश करेंगे। अगर आप पर भी पूरी स्क्वाड रश करे तो आप भी ऐसा करना कि एकदम पीछे भाग जाना, तो ये लोग टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको वहाँ पे चांस मिल जाएगा भाग जाने का, और आप वहाँ से सर्वाइव कर लोगे फॉर योर रैंक एंड टीम पोजिशन। मैंने उन लोग को पीछे इतना घुमा दिया कि वो लोग घूमते रह गए कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर ये देखो, मेरे को एक एनिमी दिखा था, मैं पहले इसको नोटिस कर रहा था कि एक है या फिर एक से ज़्यादा है, तो मेरे को पता चल गया कि एक है, तो इसको मैंने ओपन में जाने दिया। फिर मैंने इसको बहुत डैमेज दिया, अगर ये वॉल लगाएगा तो मैं इसकी वॉल तोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसे भी अलोन है और अपने पास थोड़ा सा तो एमो है, तो अपन इसकी वॉल तोड़ सकते हैं। आप लोग भी यही आइडिया, सेम आइडिया आपके सोलो वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप एनिमी को देख रहे हो और आपको आपको बहुत मन होगा कि मैं फायर
फायर करो, बट नहीं, आपको वहाँ पे पेशेंस रखे रखना है। फिर वो जैसे एकदम क्लोज रेंज में आएगा, एकदम से सरप्राइज करके उसको मार देना है और उसको नोटिस करना है कि वो लोग है कितने। देखो मेरे को दिख रहा था कि ये एक बंदा है, इसलिए मतलब मैं 5 मिनट से उसको बैक टू बैक नोटिस कर रहा था कि ये एक है या फिर एक से ज़्यादा है, कन्फर्मेशन कर रहा था ताकि मेरे को कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये अलोन है, मैं इसको फाइट कर सकता हूँ। जैसे ये ओपन में गया मैंने पूरा फ़ायदा उठा लिया। अगर मेरे पास AWM या फिर कुछ होता तो मैं इसको डाउन कर ही देता। तो यहाँ पर हम थोड़ा ARMO लूटने जाएंगे और जोन भी आने वाला है तो जोन में भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोन के सेंटर में जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना अपने लिए अच्छा होगा और अपनी टीम के लिए भी, ताकि अपनी टीम को एक बेटर पोजीशन पे ले जाएगा। ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपके पास ARMO ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे ना हमारा जो समन एयरड्रॉप होता है वो बहुत ही सही काम करता है, बट उसके डिसएडवांटेज भी है एंड एडवांटेज भी है। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, अभी ARMO लूटने के लिए मैं तो इतना ज़्यादा घूमा हूँ, मेरे को ARMO मिल ही नहीं रहा था। मिला तो SMG मिला, ग्रेनेड मिला, और गाइस सबसे बेटर ऑप्शन है सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए इनहेलर। आप लोग को भी मैं बता दूंगा इनहेलर ने कैसे मेरे को, मतलब किस तरह से मेरे को काम आया। आपने पिछली वीडियोस भी देखी होगी, उसमें भी मेरे को इनहेलर बहुत काम आया है। तो मैं सोचा कि अब मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे को ARMO मिला नहीं। हमने स्टार्टिंग में जहाँ पर मारा था एनिमी को वहाँ पर जाने का ट्राई कर सकते हैं, ताकि वहाँ से हमको ARMO भी मिल जाए। अब ARMO को लूटने के टाइम पे भी बहुत लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते, वो मैं आपको कन्फर्म बताऊंगा। देखो मैं जा रहा हूँ घरों के अंदर से और मैं पीछे भी देख रहा हूँ, एक तो जोन आ रहा है तो सब एनिमी एक साथ आ रहे होंगे छुप छुप के, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। देखो मैं घर के अंदर से जा रहा हूँ, मैं वहाँ से डायरेक्ट बाहर से जा सकता बट नहीं, मेरे को डैमेज पड़ सकता है। देखो मैं वापस से इधर घर में से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर भी ARMO मिल सकता है, इसलिए बस वैसे छुप छुप के जाते रहना है आपको भी जोन के अंदर। तो देखो मैं आ ही गया, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं मेरी जगह पे आ जाऊंगा जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एनिमी मारा था। अब जितना जल्दी हो सके हमको इधर से लूट करना होगा। यहाँ पर हम लोग फटाफट से बैकपैक ओपन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास लेवल 2 का बैग है और हमारे पास पलोमा भी नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग फटाफट से लूट कर लेगा। और ये क्या गाइस, आपने अगर UAV में देखा हो तो मेरे नीचे 4-4 एनिमी है, तो ये टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है, बस आपकी जगह पकड़ के बैठ जाना है। अब ये देखो ग्रेनेड डाला तो यहाँ से हम नीचे कूदेंगे और इसको थोड़ा सा डैमेज देंगे, कूद के मारना चाहिए था हमको, तो इसको ऐड पड़ सकता था। और यहाँ पर हमको सामने से भी डैमेज पड़ता होगा, हमको यहाँ पे इनहेलर लगाने होंगे, जितने हैं इनहेलर हमको लगाने होंगे और इनको घुमाना होगा, जल्दी से घुमाना होगा वरना मेरा एक में और मेरे को डैमेज पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक और वॉल लगा दी, फिर मेरे को एक और वॉल लगाना है ताकि मैं कवर हो जाऊँ, फिर एक और वॉल लगाई, फिर वापस से थोड़ा माइंड लगा कि हम लोग इधर छुप जाएंगे। यहाँ पर छुप कर हमको पहले हील कर लेना है, देखना एनिमी को पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अभी देखना आप लोग, देखो ये एनिमी आया इसको पता भी नहीं चला, यहाँ से फटाफट हील कर लेगा फटाफट से जितना जल्दी हो सके। और ये वाइट ईगल आया, इसको डैमेज दिया और वॉल लगा दी, ये मेरी गलती थी, मेरे को यहाँ पर इसको डाउन करके मेरे को भाग जाना चाहिए था। ये गलती मेरे को कितनी महंगी पड़ेगी वो लोग आप अभी देखते रहो। फिर मैं फंस चुका हूँ, मैंने ग्रेनेड डाला, पहला ग्रेनेड निकल गया, दूसरा ग्रेनेड अंदर फंस चुका, यहाँ पर ना तो मेरे पास वॉल है और मेरा मैं भी एलिमिनेट हो गया गाइस।